नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, और सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी जानकारी जबलपुर से सामने आ रही है। शहर में एक साथ सात जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। सिविल लाइन, ओमती, गोहलपुर और रद्दी चौक के वो क्षेत्र है, इन्हीं इलाकों में रेड पड़ी है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में जांच लगातार जारी। एनआईए और एटीएस संयुक्त रूप से यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। शहर के सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुके हैं। ओमती में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए उस्मानी के घर पर भी छापा पड़ा है। कई स्थानों पर हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। बड़ी जानकारी जबलपुर से फिलहाल सामने आ रही है। एनआईए और एटीएस का संयुक्त रूप से ऑपरेशन, इससे पहले भोपाल से, छिंदवाड़ा से, हैदराबाद से हिजब उत तहरीर के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। उस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी एनआईए को सौंप दी गई है। पूरी जांच अब एनआईए की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में एनआईए की एक बार फिर से रेड जबलपुर शहर में। तो एनआईए और एटीएस की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई, जहां पर अवैध हथियार भी मिले हैं और कई सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कई ऐसे दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जो कि आगे जाकर जांच का विषय बन सकते हैं। फिलहाल प्राथमिक तौर पर यही जानकारी के साथ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी तैनाती है सुरक्षा बलों की। एनआईए और एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही है। आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए हैं जिन पर अब जांच हो सकती है। कई बड़े खुलासों की उम्मीद, और जिस तरह से लगातार एनआईए की दबिश मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद। हिजब उत तहरीर के संदिग्ध भी पकड़े गए, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला चला। फिलहाल जेल में है, लेकिन इनके नेटवर्क कहां तक फैले हैं ये पता लगाने की शायद कोशिश एनआईए की तरफ से। बता दें आपको कि सात ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरा जो क्षेत्र है छावनी में तब्दील हो चुका है। एटीएस और एनआईए की संयुक्त रूप से कार्रवाई, कई स्थानों पर हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज मिलना बहुत बड़ी बात। और क्योंकि नेटवर्क्स का लगातार खुलासा होता हुआ सिमी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश, और इसी वजह से शायद ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत भी इस समय, क्योंकि अलग अलग स्थानों से संदिग्धों की गिरफ्तारी हो रही है। देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी, और उसी एक्शन के तहत ये बिग रेड। सही की वासु चौरे से हम इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, क्या कुछ जानकारी अभी तक लगी है इस रेड को लेकर? बिल्कुल, देखिए एनआईए की लगातार जो कार्रवाई है, गैर ऐसे जो संगठन है जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिसने सभी देश को या दुनिया की किसी भी इलाके में अशांति फैलाने का काम किया है, उनके खिलाफ उनकी धरपकड़ का जो काम है वो लगातार जारी है। हमने देखा भोपाल में भी एचयूटी के संदिग्ध जो है वो पकड़ाए थे, छिंदवाड़ा में भी कार्रवाई हुई थी, और अब जबलपुर में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। एक साथ सात से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें सिविल लाइन, ओमती, गोहलपुरा और रद्दी चौकी जैसे जो इलाके हैं वो शामिल हैं। एटीएस की टीम भी इस पूरे ऑपरेशन में साथ में मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक साहित्य भी जब्त हुआ है, हथियार बरामद किए गए हैं और अन्य ऐसे सामग्री भी जब्त की गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी हैं उनको इस बात का संदेह है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिहाज से ये सारी जो तमाम सारी जो चीजें हैं उनको जमा करने का, एकत्रीकरण करने का काम किया गया था। हालांकि देखिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है, और इस पूछताछ के अनुसार आने वाले समय में और भी कुछ लोगों के इस पूरे रैकेट में शामिल होने का खुलासा हो सकता है। हालांकि फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है अवंतिका की कौन से संगठन से जुड़े हुए ये लोग हैं, लेकिन जल्द ही पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी बात वासुस में ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के घर पर भी छापामार कार्रवाई हुई है, उनके यहाँ से भी हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बहुत बड़े स्तर पर ये नेटवर्क चल रहा था, इस बारे में भी अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हिजब उत तहरीर के संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। वासु, इससे कनेक्शन हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच अभी जो है वो जारी है, और जब पूछताछ में जो संदिग्ध पकड़ाए गए हों, तो जब पूछताछ होगी तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आएंगी कि किस संगठन से ये लोग जुड़े हुए लोग हैं, क्या इनका मकसद था और कितने लंबे समय से ये लोग यहाँ पर थे और मौजूद थे और काम कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका जो नेटवर्क है वो
कहां कहां तक फैला हुआ है। देखिए फिलहाल जो कार्रवाई हुई है अगर बीते एक महीने की बात करें तो ये बड़े शहरों में नेटवर्क निकल कर सामने आया, चाहे भोपाल हो, छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, लेकिन संभवतः ये भी माना जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे जो छोटे जिले हैं, छोटे कस्बे हैं, वहां पर भी इस तरीके के जो लोग हैं वो छुपे हुए हो सकते हैं। तो वहां तक भी जो जांच एजेंसी हैं वो पहुंचने की बहुत कोशिश करेंगी, धरपकड़ की कोशिश करेंगी। और उम्मीद यही है जिस तरह से पिछली कार्रवाई में पुलिस को, ATS को, NIA को कामयाबी मिली है, एक बार फिर कामयाबी मिलेगी और जो इनका पूरा रैकेट है उसको ध्वस्त किया जा सकेगा। जी चलिए देखना होगा क्या कुछ खुलासे इस पूरी कार्रवाई के बाद होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। दिल्ली में नीति आयोग की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे, आज उस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में मौजूद है, बैठक में शिरकत करेंगे। राज्यों के विकास के रोडमैप पर मंथन किया जाना है और इसी वजह से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। नीति आयोग की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। सभी राज्यों के सीएम इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में ही मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी दिल्ली में भी, और दोनों ही सीएम नीति आयोग की इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज से ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर, 4 दिनों तक बस्तर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। 28 मई को सुकमा में मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। जगदलपुर की बात की जाए तो यहां पर भी विधानसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। 29 मई को नारायणपुर पहुंचेंगे ओम माथुर, यहां पर भी बैठक का आयोजन। 30 मई को बीजापुर और दंतेवाड़ा के दौरे पर आएंगे और 31 मई को कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ का दौरा करने वाले हैं। यानी कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की जब हम बात करते हैं। ओम माथुर और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी संभावनाएं खोजते हुए और बस्तर को लेकर लगातार फोकस कर रही हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लगातार सम्मेलन का आयोजन, बैठकों का आयोजन देखने को मिल रहा है और अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा, बस्तर पर इस बार फोकस। अलग अलग जिलों में बैठक लेने वाले हैं 29 मई से लेकर 31 मई को लेकर, ये जानकारी। 28 मई को भी एक बैठक का आयोजन है, यानी कि सिलसिलेवार हर जिले की बैठक लेंगे, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टी को और सशक्त करने की जरूरत बस्तर जैसे क्षेत्र में है, या कितना फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान उस पार्टी को हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश। सही मिथिलेश इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, ओम माथुर आ रहे हैं आज छत्तीसगढ़, 4 दिनों तक सिलसिलेवार बैठक लेंगे, बस्तर पर भी फोकस कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर अभी तक? निश्चित रूप से आज ओम माथुर का दौरा आज से छत्तीसगढ़ में रहेगा, जिसके तहत में वे बस्तर संभाग को फोकस करेंगे और बस्तर संभाग में वे धुआंधार कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिले के अधिकारियों की, पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और इस तरह से आज से लेकर आगामी 31 तारीख तक इनका ये दौरा रहेगा, जिसके दौरान वे कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आगामी समय में जो है विधानसभा चुनाव है और पिछले बार के यदि चुनाव की बात किया जाए तो भाजपा को यहाँ पर परास्त थी, कई जगह से वे चुनाव हार गए थे। तो यही वजह है कि अब जो है फोकस जो है बस्तर क्षेत्र को ही किया जा रहा है। प्रभारी दौरे पर आ रहे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर किस तरह से कार्य होने थे, किस तरह से नहीं होने थे, ये तमाम जो है सरकार की विफलताओं को भी वो सामने रखेंगे और इसी को आधार बनाकर वे आम जनता के बीच में पहुंचेंगे, ताकि जो आने वाला समय जो चुनाव का समय है उसको भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। तो इस तरह से लगातार वे दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जो बस्तर जो पिछड़ गए थे उसको जीत सके। बिल्कुल, देखना होगा आगे किस तरह की रणनीति सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश उस पूरी जानकारी के लिए। दुर्ग से ही अगली बड़ी खबर है, जहां घर में भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, मोहननगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, लेकिन आग लगने की वजह से भीषण स्थिति यहां पर बनी, अफरा तफरी का माहौल बना। घर में चूंकि आग लगी थी इसलिए बहुत जरूरी था, प्राथमिकता इसी ओर थी कि लोगों को बाहर निकाला जा सके। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची है और आग बुझाने की मशक्कत में जुटी रही। आग किस वजह से लगी
इस बारे में अभी तक जानकारी साझा नहीं की गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जांच का विषय ये सब कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की आशंका। ये तस्वीरें भी आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घर में लगी आग पर काबू पाया है। घर में रह रहे सभी लोग सुरक्षित हैं। जनहानि की कोई सूचना नहीं, लेकिन सामान जरूर जलकर राख हो चुका है। दमकल की टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर रही थी आग पर काबू पाने के लिए, और काफी कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि पूरे घर को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। मोहन नगर थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन किस वजह से आग लगी अभी वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। ये तफ्तीश का विषय, और सबसे बड़ी राहत भरी बात यही कि किसी तरह की जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। और अब खबर नर्मदापुरम से है, जहां किन्नरों के दो पक्षों में मारपीट हो गई है। दरअसल ये मारपीट क्षेत्राधिकार को लेकर हुई थी, और यहां बधाई मांगने के क्षेत्र को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पे घुसकर मारपीट करने के लिए पहुंच गया। घटना घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, मामला 22 मई का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मामले को लेकर अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, शिकायत आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। सर वो लोग आए थे सर यहाँ पे, उसमत इटारजी किन्ने लोग आए थे मारने के लिए सर। मैं यहाँ खाना खा रही थी और पकड़ के मुझे बहुत मारा सर। मुझे कम से कम 40-50 किन्नर आए थे होशंगाबाद जिले से, और थाने में गई, थाने मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही सर। मेरी ट्रांसजेंडर जो पक्ष है, दो पक्षों के मध्य बधाई को लेके क्षेत्र के विवाद को लेके विवाद हो गया था घर का, जिसके संबंध में कुछ लोग आए थे। मतलब उन्होंने अनैतिक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी, जो समझाइश दी गई। अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत करता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब चर्चा करेंगे कांकेर के, जहां एक अफसर के रुतबे ने सबको हैरान कर रख दिया। इस अधिकारी का मोबाइल ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान बाकायदा चलाया गया, जलाशय को खाली करा दिया गया। मामले के तूल पकड़ने पर अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है। गोताखोरों ने की तलाश, बात नहीं बनी तो पूरा का पूरा जलाशय कर दिया खाली। चार दिन तक चला रेस्क्यू अभियान और आखिरकार सफलता मिली। अधिकारी के गुम हुए मोबाइल का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। जी हाँ, मोबाइल का। अब तक आपने इंसानों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान सुने होंगे, लेकिन कांकेर में एक मोबाइल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये मोबाइल किसी आम आदमी का नहीं, एक अधिकारी का था। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पिकनिक के लिए परलकोट जलाशय पहुंचे थे। यहां उनका महंगा मोबाइल पानी में गिर गया, जिसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। इसके लिए जलाशय खाली करा दिया गया, मोबाइल के लिए पानी बेकार में बहा दिया गया। ये मामला है रविवार को, जब मोबाइल गिरा तो रविवार और सोमवार दो दिन ऐसी लोकल लड़के लोग वहां पे तैर के अंदर जाके खोजने की कोशिश किए। चूंकि वो 10 फीट गहरा था, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उनके द्वारा कहा गया है कि अगर 2-3 फीट पानी ये टंकी का खाली किया जा सकता है तो मोबाइल निकल जाएगा। तो उन्हीं के कहे अनुसार वहाँ से 2-3 फीट पानी खाली किया जा सकता है करके मैं SDO साहब से भी इस बारे में चर्चा किया। SDO साहब बोले कि ठीक है, 4-5 फीट पानी आप खाली कर लो, क्योंकि वो नॉन यूजेबल पानी है, वो जलाशय वाला पानी नहीं था, ओवर होके जो आके टंक में पड़ा हुआ था पानी वो उस वो वाला पानी था। तो वहाँ से फिर लगभग 3-1 फीट में पानी मशीन के द्वारा निकाल लिया, जो डीजल से संचालित था, और मेरा मोबाइल वहाँ से फिर मुझे मिल गया। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था, 2 महीने पहले लिया था बोल के थोड़ा सा अखर रहा था कि चलो एक मोबाइल लिया हूँ नया और घूम गया है पानी के नीचे। हमको पता भी है कि कहाँ घूमा है, लोकेशन भी पता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ढूंढने की मतलब वो किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल में कुछ बहुत खुफिया जानकारी, ऐसा सिंपल सा नौकरी करता हूँ, ऐसा कोई जानकारी उसमें ऐसा नहीं। विभागीय जानकारी जो रहता है, जो डे टू डे हमारा व्हाट्सएप में जो मैसेजेस वगैरह रहते हैं, वही सब था। अधिकारी के मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय का लाखों लीटर पानी बहा देना, अब सवाल खड़े कैसे ना हो। पूर्व CM रमन सिंह ने ट्वीट किया, लिखा, अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। अधिकारी ने मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया, इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। न्यूज 18 ने भी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया।
और कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बात सीएम भूपेश बघेल तक भी पहुंची, उन्होंने भी अधिकारी को सस्पेंड कर दिए जाने की बात कही। मोबाइल ढूंढने के लिए जलाशय खाली करवाना अधिकारी को महंगा पड़ गया। हालांकि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यू मोबाइल के लिए जलाशय खाली करवाना सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा करने की अनुमति इन्हें कैसे दी गई? और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाल घाटी स्थित शराब की दो दुकानें जिनका लाइसेंस रद्द हुआ है, कलेक्टर ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। फर्जी बैंक गारंटी लगाकर करोड़ों रुपए का ठेका इन्होंने लिया है। अप्रैल से ठेका लेने वाले जालसाजों का लाइसेंस रद्द हो चुका है। जालसाजी के आरोप में दोनों दुकानों पर ये सख्त कार्रवाई हुई है। और अब भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, जहां पिपलानी में बैंक लूटने की कोशिश करने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस इनके हवाले से जब्त किए गए। आरोपियों में बिहार के जेल में कैदी की हत्याकांड का आरोपी भी इसमें शामिल है। बिहार का गैंगस्टर सुबोध सिंह का साथी है आरोपी। पिपलानी बैंक डकैती की खबर न्यूज 18 ने भी सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद फौरन एक्शन हुआ, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और अब अगली खबर गरियाबंद से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। रेडी टू ईट आर्थिक अनियमितता मामले में FIR दर्ज करने की मांग वो लगातार कर रहे थे। राजीव लोचन सिद्ध सहायता समूह के अध्यक्ष पर यह आरोप है कि अध्यक्ष मधु यदु पर आर्थिक अनियमितता का केस चलना चाहिए। ये मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा सोनी ने आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर कांग्रेसी माने राजिम थाने का कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया था। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शांत हुए। और अब पेंड्रा से अगली बड़ी खबर, जहां भालू के हमले में दो लोग घायल हो चुके हैं। मड़वाही गांव में भालू ने हमला किया है। ग्रामीणों को भालू को जंगल की ओर खदेड़ा है। ग्रामीणों ने दोनों घायलों का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भालू के हमले में फिलहाल दो लोगों के घायल होने की जानकारी मड़वाही के मड़वाही गांव की पूरी घटना है। वैवाहिक कार्यक्रम में डांस करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन रसोइयों का खाना बनाते हुए डांस नहीं दिखा होगा। डांस का ये वीडियो आपको दिखाते हैं। बड़े राजपुर के कोपरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक शादी समारोह में गांव के युवा खाना बनाते हुए रसोई शेड में पारंपरिक धुन पर नाचने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन, यहां पर खाना बनाने वाले रसोईया अचानक से पारंपरिक धुन पर एक साथ डांस करने लगे। पास मौजूद लोगों ने इसे मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब 25 सेकंड में खबर। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। विपक्षी दलों वंशवाद पर बताया आधारित, कहा लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ। बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों को प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा पत्र। 270 नागरिकों ने राजदूत ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड फौजी भी शामिल, बर्ताव की गई निंदा। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना पर कांग्रेस के आरोपों पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार। ट्वीट कर पूछा, कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत की।
संसद भवन के उद्घाटन पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा शुक्र मनाइए, जुर्माना नहीं लगा रहे। यूपीएससी के रिजल्ट विवाद पर आयोग का बयान, आयशा मकरानी के दावे को बताया फर्जी, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की कही बात। यूपी के मैनपुरी में माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल। मेरठ में मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट, वंदे मातरम ना गाने पर बीजेपी और एआईएमआईएम पार्षदों में हुई मारपीट। पुणे पहुंचे सीएम शिवराज, धार्मिक आयोजन में हुए शामिल, कहा गृहस्थ जीवन भी जरूरी, अर्धधर्म का पालन एक तरह से परमात्मा की सेवा, गाया भजन। सागर से बीजेपी सांसद राजबहादुर सिंह का बड़ा बयान, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं पर निशाना, कहा कुछ लोग बाहर से पार्टी में आ गए, उनके कारण स्थिति बिगड़ी। भोपाल में बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच मुलाकात, बंद कमरे में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलने वाले अभियान की समीक्षा। ऊना नेशनल पार्क में चीतों के शावकों की मौत पर बोले श्योपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, चीतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सरकार, मॉनिटरिंग के लिए बनी 11 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। और बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।